आज जो मैं सिरप लेके आया हूँ जो कि कप में यूज होता है, जिसका नाम है चेरी कॉप एलएस सिरप, जो कि सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। ये एक प्रिस्क्राइब सिरप है, जब जीपी डॉक्टर और फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी आप इसे ले सकते हो। तो ये कप सिरप है जिसके अंदर तीन कंटेंट डाले गए। ट्रिपल कॉम्बिनेशन का यह ड्रॉप है एम्ब्रोक्सिल, इसके अंदर 30 mg एंड 5 ml डाला गया है। लिवोसल्बुट्रामाइन, इसके अंदर 1 mg एंड 5 ml डाला गया है। और गुआ फिनिशियन, इसके अंदर 50 mg एंड 5 ml डाला गया है। 100 ml का ये रेड कलर में सिरप रहता है, जो कि एक कप सिरप है, जो कि म्यूकस वगैरह फंसता है गले के अंदर तब इसे दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो इस सिरप के बारे में हम कंप्लीट जानकारी पाएंगे कि इसको डॉक्टर कब रिकमेंडेड करते हैं, कब तक इसको लिया जा सकता है तथा इसका लेने से कैसे बेनिफिट मिलेगा और इसका सही तरीका क्या है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेरिकॉप एलएस सिरप जो कि यूज किया जाता है कप के अंदर और म्यूकस के अंदर, जब बच्चे को कप या म्यूकस होता तब इसे दिया जाता है। अगर आप इसे खुद से ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टोमक में गैस हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है और हेडेक हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है, तो आपको ये डॉक्टर की सलाह से लेने का। सिरप को ले तो डॉक्टर जितना डोज बोले तो उतना ही लेने का। जब भी ले तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ ले तथा इसको मेजर करके ले, और जितना डॉक्टर ने बोला है उतना ही ले तथा सेक वेल करके ले इसको, हिला के आराम से, ताकि इसके अंदर तीन कॉम्बिनेशन डाले गए वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और चार कप एलएस सिरप जो कि खाना खाने के बाद ले, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले, ताकि फिक्स टाइम रखे हो ताकि बेटर रिजल्ट मिले आपको। चेरी कॉप एलएस सिरप काम कैसे करता है कि इसके अंदर ट्रिपल कॉम्बिनेशन डाला गया है एम्ब्रोक्सिल, लिवोसल्बुट्रामाइन एंड गुआफिनिशियन, जो कि क्या करता है कि कप और म्यूकस को रिलीफ देता है। एम्ब्रोक्सिल जो कि म्यूकोलाइटेटिक है, जो कि म्यूकस को निकाल देता है फेनजिस से और इसको इजियर करके कप से बाहर निकाल देता है। लिवोसल्बुट्रामाइन जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि रिलीज करता है म्यूकस को और एयरवे से निकाल देता है। गुआफिनिशियन जो कि एक्सपेक्टोरेंट है वो डिक्रीज कर देता है चिपचिपा को, जो म्यूकस रहता है वो चिपचिपा रहता है, निकलता नहीं है फेरेंज से, तो उसको इजी कर देता है और इजीली निकाल देता है। तो कि ये तीनों कॉम्बिनेशन साथ में काम करते हैं और इजी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, ताकि खांसी वगैरह हो रही है तो कम हो जाती है। तो इस सिरप के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।